जैसे तुम मेरे को पियानो बजा के गिफ्ट दी थी ना मेरे बर्थडे में, हाँ ऐसे ही तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है। कौन सी दीदी है बता? वाह, कुछ देना है तुमको दीदी को? चलो 21 सी दे दो जोर से हाथ। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनीता एंड ही इज माय हस्बैंड नवनीत। टुडेज ब्लॉग इज वेरी 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 स्पेशल। It's our elder daughter Drishti's birthday vlog. So we are very excited. अभी बज रहा है सुबह के 9 और अभी Drishti सो रही है, तो हम उसे सुबह सुबह उठ के सरप्राइज देना चाहते हैं। तो ये देखिए, उसके पापा इधर सारे बलून्स ब्लो कर रहे हैं। आगे मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी ओमिक्रॉन चल रहा है चारों तरफ, तो बर्थडे हम बहुत बड़े तरीके से तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बस सारा दिन Drishti के जो भी उसके मनपसंद लंच है, ब्रेकफास्ट है एंड डिनर है, वो सभी बना रहे हैं और उसके साथ थोड़ा मस्ती करेंगे। और अपने ही फ्लोर के जो बच्चे हैं उनको बुला के रात में छोटा सा एक सेलिब्रेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे साथ। बाय। गुड मॉर्निंग। अरे अभी हम क्या कर रहे हैं? बलून ले जा रहे हैं दीदी के रूम में। चलो 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 चलो। तो ये देखिए पापा और सिस्टर लेके जा रहे हैं बलून। हैप्पी बर्थडे। देखो आज गीत भी उठ गई। ये प्रिंसेस इज रेडी फॉर आवर बिग 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 डे। हैप्पी बर्थडे माय बच्चा। अभी फटाफट ब्रश करके आप नहा लोगे और उसके बाद टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाएंगे आपके पापा। बट पहले जाएंगे मंदिर। यस, पहले जाएंगे मंदिर और मंदिर से आके फिर पापा बनाएंगे टेस्टी टेस्टी कौन सा ब्रेकफास्ट? यस, चीज़ टोस्ट। एंजॉय कर रहे हैं घेवर एंड फिनी मीठे में ब्रेकफास्ट में। हेलो। तो यहाँ Drishti के पापा Drishti के लिए बना रहे हैं चीज ब्रेड टोस्ट, राइट? यस। ओके, इधर आप क्या क्या चॉप कर चुके हो? तो यू कैन सी कुकम्बर, टोमेटो, बीटरूट, कैप्सिकम एंड कैरेट भी देख सक रही हूँ मैं। Yes, carrot. Obviously, this carrot. Okay, तो सबको आप chop कर लीजिए। और अभी है onion. Toast, cheese, toast, cheese. तो आप इधर सारे chopping vegetables को sauté कर रहे हो butter में? हाँ, butter में sauté कर रहा हूँ। Okay. तो जब इसमें कुछ पानी वानी भी रहेगा तो वो भी निकल जाएगा और इस तरह tasty और बन जाएगा। Okay. पूरा आप cook कर रहे हो कि कैसे? नहीं, light. Just light cook. Okay, light cook कर रहे हो आप। छोटा इसका पानी निकल जाए और ये थोड़ा हल्का क्रिस्पी टाइप होता। पानी पूरा सुखा लिया है, अगर आप फुल फ्लेम में रखोगे तो ये 4-5 मिनट में सूख जाएगा, अदरवाइज आपको 8-10 मिनट लग सकता है। हमने लो मीडियम फ्लेम में रखा था इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लगा। आप स्वाद के अनुसार अपना सॉल्ट और पेपर डाल लीजिए, ब्लैक पेपर। तो पहले ये कोरिएंडर लीव्स का चटनी का एक पेस्ट लगा, एक लेयर लगा रहे हैं। मैंने इसमें अपना जो मसाला है वो डाल दिया है, और मसाला डालने के समय ध्यान रखिए कि आप कॉर्नर तक डालिए, सो डैट कॉर्नर तक डालोगे तो आपका जब बन के अभी जब खाएंगे तो कॉर्नर में भी टेस्ट अच्छे से आएगा। Okay. तो ये आपका एक फर्स्ट लेयर होगा। तो अभी अपने पास ये टोमेटो सॉस जो डाले उसके ऊपर चीज स्लाइस डाल देंगे इस तरह से और कवर कर देंगे। कवर करने के बाद तो आपकी रेसिपी बहुत ही यम्मी लग रही है। Yes, ये टेस्टेड और आपका ये सेल्फ मेड रेसिपी आई गेस ना? यस, और ये टेस्टेड रेसिपी है।
ओह ये टेस्टेड भी है. यस यस हम खाए थे. यस आप थोड़े दिन पहले बनाए थे तो हमें इतना अच्छा लगा था. आई थिंक तभी धृति ने डिमांड कर दिया था कि मेरे बर्थडे में यही बनाना है. यस है ना. यस तो फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर से टेस्ट कीजिएगा ये रेसिपी. पक्का बनाइएगा. आई एम श्योर आप लोग को ये बहुत अच्छा लगेगा. दोनों तरफ से पूरा सीख गया है ये देखिए. तो बस अब मैं लेके जा रही हूँ पापा का हाथ का बना हुआ यमी यमी चीज टोस्ट बच्चों के लिए. तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ये देखिए. आप मिरर में देख सक रहे होंगे चीज टोस्ट. ये वेलकम लाला. क्या कर रहे हैं आप लोग. हम लोग पीका काट रहे हैं. न्यू पिगी बैंक धृति के बर्थडे में. तो धृति का टेडी बियर एंड गीत तुम्हारा किटी. मेरा टेडी बियर नहीं मेरा पू है. ओ पू. यस यस. और यहाँ धृति को बर्थडे विश कर रहे हैं उनके दादाजी बड़े पापा बड़ी माँ नाना जी नानी जी बुआ सबके साथ. धृति वीडियो कॉल में बहुत एंजॉय कर रही थी अपना टाइम. और यहाँ धृति अटेंड कर रही है एग्जाम्स फॉर ओडा क्लासेस. जरूरी था इसके लिए बर्थडे के दिन भी अटेंड करना पड़ा उसको बट थोड़ी देर के लिए. फ्रेंड्स यहाँ मैं अब प्रिपरेशन कर रही हूँ लंच का और बना रही हूँ मेरे बच्चों का फेवरेट कैनेपीज. तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ अनियन को एकदम बारीक काट लिया है. इधर गार्लिक को भी. इधर थोड़ा मैंने 2 टेबलस्पून मलाई लिया है और 1 हरी मिर्च को काट लिया है बारीक. और इसके लिए देखिए सॉल्ट भी चाहिए और पेपर एंड 1 बंच स्पिनच को मैंने इधर बारीक काट लिया लंबा लंबा. दूध लिया है 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा. वो बाद में जब मैं मिक्सचर बनाऊंगी तो उस अकॉर्डिंग दूध का यूज़ करूंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी. ये मार्केट में ऐसा कैनेपीज का बेस आपको मिल जाएगा. आप घर पे भी बना सकते हो. इस बेस में मैं सबसे पहले ये देखिए यहाँ 1 स्पून ये पहले मिक्सचर डालूंगी. ये देखिए यहाँ मेरे पास ब्लॉक चीज था. थोड़ा सा ऊपर ऐसे चीज डालूंगी. तो ये देखिए सारे कैनेपीज में मिक्सचर और चीज डाल दिए हैं. और अब ये सबको माइक्रोवेव करूंगी 30 सेकंड के लिए. आफ्टर 30 सेकंड एक बार चेक कर लूंगी कितना मेल्ट हुआ है. तो ये देखिए 30 सेकंड के लिए मैंने कर दिया इधर. तो ये देखिए चीज़ पूरा मेल्ट नहीं हुआ है तो इसको फिर से 30 सेकंड मैं माइक्रोवेव करूंगी. तो ये देखिए आफ्टर 1 मिनट यहाँ पर कैनेपीज में चीज़ पूरा मेल्ट हो गया है. एंड ये देखिए यमी कैनेपीज रेडी हो गया है मेरे बच्चों का फेवरेट. तो गुड्डू फाइनली कैनेपीज आ गया लंच के लिए. फैंटास्टिक. अच्छा लगा. बर्थडे कैसा एंजॉय कर रहे हैं. फैबुलस. हाँ सॉरी बेटा कहीं लेके नहीं गए. जा पा रहे ना बाहर. कोई बात.
साथ में मुझे पता है कोरोना। और फ्रेंड्स लोग को भी नहीं बुला पा रहे ना, सॉरी। ये देखिए गीत और धृति लंच करके सो गए, पूरा अच्छे से रेस्ट कर रहे हैं और हम लोग भी अपना लंच कर लिए। और यहाँ पापा और मम्मा बर्थडे डेकोरेशन के लिए लग गए, लेकिन मोस्टली पापा। और ये देखिए धृति और गीत एंजॉय कर रहे हैं लॉलीपॉप, जो जल्दी से नहीं मिलता है, बट इट्स हर बर्थडे सो एंजॉय। एंड फाइनली आ गया धृति का मोस्ट फेवरेट यूनिकॉर्न केक। थैंक यू खुशी, मेरी फ्रेंड, जो इतना अच्छा केक बनाई है धृति के लिए। सो ब्यूटीफुल केक। और धृति अपने फ्रेंड्स लोग को इनवाइट नहीं कर पाई, लेकिन अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ वीडियो कॉल में टाइम एंजॉय कर रही है। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। एंड फाइनली पापा की मेहनत से यहाँ धृति की बर्थडे डेकोरेशन इज रेडी। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था बर्थडे डेकोरेशन कि इंस्टेंटली जितना हो सके स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो लिया और मैं अपलोड भी करूँगी सून, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए घर बैठे अंडर बजट हम इतना सुंदर बर्थडे डेकोरेशन अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ हो गई मेरी प्रिंसेस रेडी, सो सो ब्यूटीफुल। लव यू लॉट 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 माय बच्चा। And now it's dinner time and all our kids' favorite pizza, banana chips, cupcake, cake, fruity. तो बच्चे बहुत enjoy किए खाके, क्योंकि yummy? सब बच्चों का favorite है। और बच्चा लोग कैसा लगा? बहुत yummy. Yummy? Yes. Nice? और बच्चे खाने के बाद enjoy कर रहे हैं games. तो ये चल रहा है statue game, जो बहुत enjoy किए बच्चे लोग। और यहाँ कर रही है मेरी गीत रानी डांस। और ये चल रहा है बच्चों लोग का पासिंग द पिलो गेम। तो बच्चे लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ गीत का बेस्ट ट्रेंड देव कर रहा है बहुत ही मस्त मस्त डांस। वेरी नाइस देवू, नाइस, वेरी नाइस, क्लैप फॉर देवांश। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर अपोजिट गेम, ओके आउट गुड्डू आउट। पीछे जाओ दोनों, एक दूसरे को हग मत करो। और यहाँ चल रहा है बच्चों लोग का ईयर विस्परिंग गेम, जिसमें बोलते कुछ है और लास्ट में कुछ और ही निकलता है, तो बहुत मस्ती होता है, बहुत फनी गेम है। मेरा नाम कृष्णा, मेरा नाम कचरा है। और यहाँ बच्चे लोग कर रहे हैं मस्ती से डांस, जाने का भी टाइम हो गया बच्चों लोग का, तो थोड़े बच्चों के साथ जितना हो सका धृति ने बहुत एंजॉय किया। तो ये था धृति का स्पेशल 9th बर्थडे सेलिब्रेशन, जो धृति ने फेवरेट ब्रेकफास्ट, लंच और अपने फ्लोर फ्रेंड के साथ
फेवरेट गेम्स एंड उसका फेवरेट केक एंड उसके पापा का ये मस्त डेकोरेशन के साथ एंजॉय किया और हमने भी बहुत एंजॉय किया। तो अगर आप लोगों को धृति का ये बर्थडे ब्लॉग पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो मेरे चैनल पे नए हैं, और बेल आइकन में तो ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर, बाय। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में।